नमस्कार दोस्तों, आज का विषय शिक्षा है और शिक्षा पर जो प्रश्नों का दायरा होगा वो आईएएस मेंस के प्रश्न, पीसीएस मेंस में क्या क्या, यूपीपीसीएस मेंस में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखकर एक चर्चा, और यूपीपीसीएस इंटरव्यू में कुछ इश्यूज हैं जो रेज किए गए हैं। जैसे एक है अभी जिस पर काफ़ी विवाद चल रहा है, प्रेरणा ऐप को जारी करने का या प्रेरणा ऐप के एप्लीकेशन का मुद्दा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है 2019 का आ चुका है और वो अक्टूबर से लागू या अक्टूबर से उसे लागू किए जाने की बात कही जा रही है, और शिक्षा से जुड़े हुए कुछ दूसरे विषय भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू के लिए हमेशा शिक्षा से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे जाते रहे हैं, खास तौर पर उन बच्चों से जो बच्चे अध्यापक पद पर हैं या अध्यापक हैं लेकिन जिन्हें सिविल सेवा में जो इंटरव्यू के लेवल पर पहुंच रहे हैं, उनसे कई बार स्कूलों के हालात के बारे में अगर उनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही कम फोकस किया जाने वाला पेपर टू का एरिया है एजुकेशन, जहां से लगातार सवाल या एक रेगुलर इंटरवल पर सवाल पूछे गए हैं, और उन सवालों से हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि वास्तव में तैयारी का जो स्तर है वो तैयारी का स्तर क्या क्या रख रहा है। आईएएस 2016 में, आईएएस 2013 में और आईएएस 2015 में और आईएएस 2013 में अब तक तीन बार शिक्षा पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक प्रश्न अमर्त्य सेन के विचार पर आधारित करके पूछा गया है, एक प्रश्न उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा है, और एक प्रश्न जो है वह वास्तव में दोपहर भोजन योजना से जुड़ा हुआ रहा है। तो पहले हम इन प्रश्नों को थोड़ा देखते हैं कि ये प्रश्न क्या पूछे गए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की है। उनकी स्थिति और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव हैं? यह जो प्रश्न है, ये प्रश्न 2016 आईएएस मुख्य परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न में आप देखिए कि शुरुआत होती है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने सुधार की वकालत की है, और उसके बाद यहां पर जो प्रश्न पूछा गया वह यह है कि आपके सुझाव क्या होंगे स्थिति और कार्य निष्पादन में। इसी तरह से एक सवाल 2015 में उच्च शिक्षा पर पूछा गया। ये जो उच्च शिक्षा पर सवाल पूछा गया वो सवाल ये था कि भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है, क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की प्रोन्नति में सहायक होगा, चर्चा कीजिए। विदेशी शैक्षणिक संस्थानों का प्रवेश, इसका मतलब कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को हायर और टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में अगर हम ले आते हैं तो क्या उनकी जो प्रोन्नति होगी, वह प्रोन्नति जो है उसमें क्या वह सहायक होगा। और इसी तरह से एक दोपहर भोजन योजना पर, जो दोपहर भोजन योजना है उस पर क्या है सवाल पूछा गया कि दोपहर भोजन योजना जो है वो स्वतंत्रता के पहले मद्रास राज्य में शुरू की गई और विभिन्न राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है, और दोपहर भोजन योजना जो विभिन्न राज्यों में लागू की जा रही है उसके निष्पादन के लेवल पर, उसके स्थिति के लेवल पर, उसके सुधार के लेवल पर आप क्या सुझाव देंगे, ये 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। और आप जानते होंगे कि दोपहर भोजन योजना जो है एक बार फिर चर्चा में रही है। मिर्जापुर के एक स्कूल में रोटी और नमक खाने वाले जो बच्चे थे उनका एक पत्रकार ने उनके बारे में रिपोर्टिंग की, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उस मामले को
संज्ञान में लाते हुए कुछ निर्णय या कुछ ऐसे विवादास्पद निर्णय लिए गए, जैसे पत्रकार पे ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो मिर्जापुर बड़ा आजकल फेमस हो रहा है, और मिर्जापुर नेटफ्लिक्स पर एक मूवी भी आई थी, वो भी बहुत फेमस हुई, दोपहर भोजन योजना के संदर्भ में फिर वह फेमस हुआ। और आईएएस में इस पर जो है आप ये पाएंगे कि एक पूरा सवाल पूछा गया। दरअसल यहाँ पर आप ये पाएंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस में आपको कई तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा की भूमिका क्या है, मनुष्य के जीवन में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका क्या होती है, यह भी पता होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में चेंजेस क्या किए जाने चाहिए, चैलेंजेस क्या हैं, कमियां क्या हैं, सुधार क्या हैं, और ठीक इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है, 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, उस ड्राफ्ट में कौन से ऐसे तत्व हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो बातें पहले के शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति से उसे अलग बनाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, किन बातों की चर्चा लगातार हो रही है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली मॉडल और खासतौर पर मनोज सिसोदिया जी के द्वारा जो दिल्ली में सुधार किए गए, शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहने के क्रम में वो काफ़ी चर्चा का विषय बने। जब उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप जारी किया गया तो उस प्रेरणा ऐप को लेकर विरोध की जो आवाज़ें आईं, उन विरोध की आवाज़ों और बहुत सारे बिंदु ऐसे उजागर हुए, जो दिल्ली मॉडल से यूपी में जो चीज़ें अपनाई जा रही उनके कंपेरिजन के संदर्भ में आईं। तो अब यहाँ इसका ये भी मतलब है कि देश में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए अगर गुजरात मॉडल है जिसमें मिशन विद्या चलाकर वहाँ पर एक सुधार किया गया, और वहाँ पर भी ऐप लागू, एक ऐप के माध्यम से बच्चों की और शिक्षकों की जो उपस्थिति थी, जो हाजिरी थी, वो स्कूलों में बढ़ाई गई। तो ठीक इसी तरह की बात हम उत्तर प्रदेश में अगर करना चाहते हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसमें समस्याएं हैं, ये सब चीज़ें क्या है आपको जानना है। इसके साथ ही जो गुजरात मॉडल है प्राथमिक शिक्षा को लेकर, अगर हम उसे मॉडल कह सकें तो, हालांकि अभी किसी बड़े शिक्षाविद ने या किसी बड़े अर्थशास्त्री ने या किसी पॉलिसी मेकर ने शिक्षा के संदर्भ में किसी गुजरात मॉडल की बात नहीं की है, लेकिन मैं एक सरलता के लिए बात कर रहा हूँ कि गुजरात मॉडल में जो मिशन विद्या है जिसके द्वारा वहाँ पर बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति को बढ़ाया गया, जो दिल्ली मॉडल है जिसकी प्रशंसा बहुत सारे कॉर्नर से हुई है, उससे भिन्न जो उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप लाकर जो एक प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए कोशिश हो रही है, क्या उसमें एक व्यवस्थित नीतिगत तत्व है, इन सब चीज़ों को आपको क्या है समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है और प्राथमिक शिक्षा की भूमिका क्या है। तो बहुत संक्षेप में यहाँ पर मैं आपसे ये चर्चा करूँगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छा इंसान निर्मित करना है, या शिक्षा का उद्देश्य अच्छा मानव संसाधन निर्मित करना है, इसको लेकर बड़ा असमंजस रहा है। पहले जो भारत में ब्रिटिश शासन काल में जो शिक्षा व्यवस्था आई, उसमें यह सोचा गया कि अगर हम ऐसे शिक्षा के संस्थान बनाएं जहां पर अच्छा इंसान बन सके तो मानव संसाधन तो अपने आप वे अच्छे कार्य क्षेत्र में जाकर अच्छे रूप में सामने आ सकेंगे। लेकिन जो अमेरिकन मॉडल था उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इन सब की शिक्षा विशेष तौर पर देने की बात की गई, एक प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की गई, जिसका प्रोफेशनल एजुकेशन का जो ह्यूमनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे कोई संबंध नहीं रहा। तो यहाँ पर एक अच्छे मानव संसाधन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, एक एक समानांतर एक भिन्न दृष्टिकोण ये भी है कि कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छा इंसान बनाना है, कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छा मानव संसाधन बनाना है।
अब यहां पर ये जो असमंजस है जब नीतिगत स्तर पर सामने आता है, तो वो नीतिगत स्तर पर सामने आने पर संस्थाओं के स्वरूप को लेकर, संस्थाओं के कार्य को लेकर भी समस्याएं खड़ी होती हैं। जैसे यहां पर कि अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य अच्छा मानव संसाधन बनाना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा MBA के, इंजीनियरिंग के और इस और मेडिकल कॉलेजेस, ये सब क्या है, खोलेंगे, क्योंकि इनको अर्थव्यवस्था में इनकी ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि नहीं, शिक्षा का उद्देश्य अच्छा इंसान बनाना है, तो हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे पुराने विश्वविद्यालय अंग्रेजों के मॉडल पर, या मदन मोहन मालवीय जी के लक्ष्यों के संदर्भ, लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, वैसे विद्यालयों की, वैसे संस्थानों की स्थापना क्या है करेंगे। दरअसल यहाँ दूसरा जो मुद्दा है वह यह है कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा की भूमिका क्या होगी। जो मनुष्य का जीवन है उसमें विशेष तौर पर जो प्राथमिक शिक्षा है, उस प्राथमिक शिक्षा की भूमिका क्या होगी। प्राथमिक शिक्षा की जो भूमिका है, उस भूमिका को स्पष्ट करने के क्रम में मैं यहाँ पर अमर्त्य सेन ने कुछ बातें बहुत बड़े सुचिंतित दृष्टिकोण के आधार पर की हैं। उन बातों के आधार पर मनुष्य के जीवन में शिक्षा की भूमिका क्या होती है, उसको स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात ये कि पढ़ने लिखने व गिनने की जो क्षमता है, वह हमारे जीवन के स्तर पर जबरदस्त प्रभाव डालती है, और यह दुनिया को समझने, बूझने, एक सूचना संपन्न जीवन जीने, दूसरे के साथ संवाद करने और जो कुछ भी घट रहा है उनसे जुड़े रहने की हमारी स्वाधीनता को प्रभावित करती है। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का जो संबंध है वो मनुष्य की कुछ स्वाधीनताओं से है, जीवन जीने की स्वाधीनता, सूचना संपन्न जीवन जीने की स्वाधीनता, संवाद करने, जो कुछ भी हमारे आसपास घट रहा है उससे जुड़े रहने की स्वाधीनता से यह जुड़ा हुआ है। दरअसल हम आज जिस किस्म के आधुनिक समाज में रह रहे हैं, वहाँ पर लिखित माध्यम के बगैर हमारा कुछ भी काम नहीं हो सकता है, हम लिखित माध्यम पर निर्भर हैं। और अमर सेन का कहना है कि इस दृष्टि से अशिक्षित होना एक कैद की जिंदगी जीने जैसा है। अमर सेन ने अपनी एक किताब में कहा है कि स्कूली शिक्षा को तमाम तरह के कैद से मुक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति के लिए आर्थिक अवसर व रोजगार की संभावनाएं बहुत कुछ उसकी शैक्षणिक योग्यता और कौशल पर निर्भर करती हैं। वाणिज्य व्यापार भूमंडलीकरण के दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं, और वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में शैक्षिक योग्यताओं का बहुत महत्व है। चीन जैसी अर्थव्यवस्था की सफलता का जो श्रेय है, वो काफ़ी हद तक चीन के सुशिक्षित कामगारों की क्षमता को जाता है। इसलिए शिक्षा केवल व्यक्ति के स्वाधीनताओं को मजबूत करने से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि शिक्षा केवल आर्थिक अवसरों और रोजगार की जो संभावना है उस संभावना से भी क्या है, जुड़ी हुई है। शैक्षिक योग्यता का कौशल से संबंध होता है, और नौकरियों के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान को आज के समय में अगर नौकरी मिलती है तो उसकी शिक्षा के आधार पर ही ज़्यादातर मिलती है। हालांकि इसको लेकर बड़ी शिकायत रही है। मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता में कहा था कि शिक्षे तेरा नास हो तू नौकरी के हित बनी, लेकिन ये सच्चाई ये है कि शिक्षा का व्यक्ति के रोजगार से, व्यक्ति के जीवन में जो आर्थिक अवसर उसे प्राप्त होते हैं, उससे बहुत संबंध होता है। तीसरी बात यह है कि अशिक्षा लोगों के राजनीतिक आवाज को दबा देती है, और अशिक्षा लोगों की असुरक्षाओं में प्रत्यक्ष तौर पर योगदान करती है। हालांकि अधिकतर लोगों के अशिक्षित होने से लोकतंत्र की सफलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोकतंत्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या अमर सेन या आज के लोग ये नहीं कहते हैं कि लोकतंत्र की सफलता की एक पूर्व शर्त है शिक्षा। ये बात
प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि शिक्षा लोकतंत्र की सफलता की पूर्व शर्त है। लेकिन ये बात सही है कि लोकतंत्र की सफलता भले ही शिक्षा के आधार पर तय न हो, लेकिन लोकतंत्र का प्रभावी होना लोगों के शिक्षित होने के आधार पर तय होता है। अमर्त सेन शिक्षा को लोकतंत्र की सफलता का की शर्त नहीं मानते हैं, पूर्व शर्त नहीं मानते हैं, लेकिन शिक्षा को लोकतंत्र के प्रभावी होने की पूर्व शर्त मानते हैं। इन बातों में थोड़ा अंतर को ध्यान में रखिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा पूर्व शर्त नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के प्रभावी होने के लिए, इफेक्टिव होने के लिए शिक्षा आज के समय में पूर्व शर्त है। एक चौथी बात, स्वाधीनताओं, जीवन स्तर, इन सब के साथ ही राजनीतिक आवाज, लोकतंत्र, इनके अलावा बुनियादी शिक्षा जो होती है वह हमारी स्वास्थ्य समस्याओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मसलों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दरअसल स्वास्थ्य जो शिक्षा है वह रोगों को फैलने व रोकने में मददगार होती है। इस दृश्य से स्कूली शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य के उपायों, टीकाकरण, स्वच्छता या महामारी के रोकथाम से जो संबंधित उपाय होते हैं उनको आसान बनाती है। इसलिए ये बहुत दिलचस्प बात है कि स्वास्थ्य के मामले में सुधार बुनियादी शिक्षा के सुधार से जुड़ा हुआ है, और ये धीरे धीरे आनुभविक रूप से कुछ ऐसे आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं जिनसे ये बात धीरे धीरे प्रूफ होती जा रही है। इसके साथ ही मानवाधिकार की विविधता और पहुंच के बारे में भी जनमत में परिवर्तन जो लाने में शैक्षणिक विकास जो होता है एक प्रमुख उत्प्रेरक का काम करता है। मानवाधिकार जो होते हैं उन मानवाधिकारों को और जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसमें शिक्षा का एक संबंध होता है। इसको अमर सेन ने एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है। अमर सेन का कहना है कि केरल व हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के विकास के बाद ये देखा गया कि स्वास्थ्य सेवाओं के मांग में वृद्धि हुई और स्वास्थ्य का अधिकार भी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी एक मानवा अधिकार है। यहां पर इसके साथ ही आप ये पाएंगे कि जो स्वास्थ्य और जो वास्तव में मानवाधिकार का जो संबंध है उस संबंध में जनमत की भी बात क्या है जोड़ी जाती है कि जनमत जो है वह शिक्षा से क्या है जुड़ा हुआ है। शिक्षित लोग अपने मत को आसानी से अभिव्यक्त करते हैं, शिक्षित लोग जो है वह उनको एक विश्वास पैदा होता है और वो विश्वास तर्क या संवाद से पैदा होता है। इसलिए शिक्षा कहीं ना कहीं जनमत की अभिव्यक्ति में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कानून की समझ और कानून का उपयोग दोनों शिक्षा से प्रभावित होता है। शिक्षित व्यक्ति कानून की समझ बेहतर रखता है, कानून का उपयोग भी अपने अधिकारों के लिए वह ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। और दरअसल अमर सेन का कहना है कि अशिक्षा जो रही है वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में सबसे बड़ी बाधा रही है। जब लोग शिक्षित होते हैं तो शिक्षित लोग जो होते हैं, जब लोग अशिक्षित होते हैं तो अशिक्षित लोग अधिकारों के संदर्भ में जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों के को लेकर, उनके उपयोग को लेकर, उनकी कानूनी स्थिति को लेकर उनके भीतर कई बार क्या होता है, एक हिचक होती है। शिक्षा कई बार अधिकारों के बोध को वास्तव में मजबूत बनाती है। और इस दृश्य से ये कहा जाता है कि जो महिला अधिकारों को लेकर जो आज के भारत में जो एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है, एक सशक्त आवाज़ दिखाई पड़ती है, वो भारत में प्राथमिक शिक्षा के बढ़ने का भी नतीजा है। इसके साथ ही अमर सेन का ये भी कहना है कि लड़कियों को स्कूली शिक्षा देने से पारिवारिक मामलों में जो महिलाओं की आवाज़ है और जो उनकी ताकत है वो बढ़ जाती है। अमर सेन का ये भी कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का ही ये परिणाम है कि शिक्षा से महिला का सशक्तिकरण हुआ, महिला की आवाज़ तथा उसकी बातों को परिवार में तवज्जो दिया गया, और परिवार में जब तवज्जो दिया गया तो इसका असर प्रजनन दर के गिरावट के रूप में सामने आया। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, प्रजनन दर में गिरावट। इसके अलावा
शिक्षित महिला शिशु मृत्यु दर की कमी के तरफ ले जाती है। महिलाओं की शिक्षा बढ़ने से शिशु मृत्यु दर के कम होने का एक संबंध है। कई देशों में यह प्रमाण मिले हैं कि महिलाओं की साक्षरता और बच्चों के जीवन के बीच में एक गहरा, बच्चों के जीवन प्रत्याशा के बीच में गहरा संबंध होता है। इसके साथ ही हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में बहुत सी विषमताएं होती हैं, और ये विषमताएं जाति आधारित भी हैं, लिंग आधारित भी हैं। विषमताएं शिक्षा से समाप्त तो नहीं होती, लेकिन उन विषमताओं का बोध बढ़ जाता है, और उन विषमताओं का बोध बढ़ने पर समानता के लिए लोग क्या है, ज़्यादा तत्परता से प्रेरित होते हैं। इसलिए शिक्षा वर्ग और जाति से जुड़ी विषमताओं को कम करने में काफ़ी मदद करती है। और इतना ही नहीं, शिक्षा जीवन की गुणवत्ता को अंततः बढ़ाती है। सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा का ही परिणाम रहा है कि भारत में धीरे धीरे बाल मजदूरी कम हुई है, और इसलिए ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि भारत में सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा ने बाल मजदूरी को रोकने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो ये है शिक्षा की भूमिका। बहुत बहुत धन्यवाद।